इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जिनकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इनकी बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइडेड होती है, थ्री पार्ट्स में. फर्स्ट हेड, सेकंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ये थ्री पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड हुई हुई होती है. दे यूजुअली हैव पेयर ऑफ कंपाउंड आइज. इनके हेड के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड आइज मौजूद होती हैं. पेयर, पेयर का मतलब कि दो आइज, दो कंपाउंड आइज इनके हेड के ऊपर मौजूद होती है. कंपाउंड आइज कैसी होती हैं, आइज विथ मैनी लेंसेज. लेंस होते हैं ना जो ग्लासेस वगैरह हम लोग वेयर करते हैं, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की करीब की, तो उसके लिए उसको सही से देखने के लिए हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं. इनको लेंसेज की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी इनकी आइज़ में इतने सारे लेंसेज होते हैं और इनकी आँखें भी काफ़ी तेज़ होती हैं. तो बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी लेंसेज वाली आइज़ को हम कहते हैं कंपाउंड आइज. दे हैव अ पेयर ऑफ फीलर्स. इनके हेड पे पेयर ऑफ फीलर्स का मतलब इनके हेड पे एंटीनास लाइक मौजूद होते हैं, दो एंटीना मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये कुछ भी अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस वगैरह फील कर सकते हैं. देयर थॉरेक्स इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. इनका जो थॉरेक्स होता है वो सेगमेंट्स में, बहुत सारे सेगमेंट्स में नहीं बोलते, उसके बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ बहुत. ईच सेगमेंट कंटेन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स. और एक हर एक सेगमेंट के ऊपर क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स. हर पेयर मतलब जॉइंटेड लेग्स का पेयर होता है, पेयर मीन दो लेग्स. हर सेगमेंट के ऊपर क्या होता है, दो दो लेग्स होती हैं. दे यूजुअली ऑल्सो हैव पेयर ऑफ विंग्स. उनके पास और क्या होता है, विंग्स का भी पेयर होता है, मतलब कि उनके पर भी होते हैं, उनके पास पर भी मौजूद होते हैं. ओके, इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की, कि स्कॉर्पियंस क्या होते हैं, हम उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. क्या होते हैं स्कॉर्पियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर फाउंड इन डार्क प्लेसेस. वो कहाँ पाए जाते हैं, डार्क प्लेसेस में, मतलब जहाँ अंधेरा होता है, जिस वो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं. फाउंड अमंग स्टोन्स एंड रॉक्स एंड रूटिंग ट्रीज. किन के दरमियान होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स जहाँ हो, रॉक्स या रूटिंग ट्रीज, मतलब ऐसे दरख्त जिनकी जड़ें बाहर आ जाती हैं, तो ये कहाँ होते हैं, उन ट्रीज़ की रूट्स में होते हैं, स्टोन्स के बीच में, रॉक्स के बीच में, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, वहाँ पे ये छुप के बैठे हुए होते हैं. दे हंट फॉर देयर फूड एट नाइट. ये अपने खाना तलाश करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए किस टाइम पे निकलते हैं, उसका शिकार करने के लिए रात में. दे ईट स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. ये छोटे जानवर खाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स वगैरह, इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, ये उनको खाते हैं. स्कॉर्पियंस हैव नो फीलर्स. इनके पास कोई फीलर्स नहीं होते. दे हैव सेगमेंटेड बॉडी. इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब इनकी बॉडी काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई होती है. दे कंटेन फोर पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. इनके पास फोर पेयर होते हैं लेग्स के. पेयर का मतलब दो टांगे, यानी कि इनके पास आठ टांगे मौजूद होती हैं इनकी बॉडी पर. द हेड ऑल्सो बेयर नंबर ऑफ सिंपल आइज. और इनके सर के ऊपर, इनका जो हेड होता है उसके ऊपर बहुत सारी सिंपल आइज होती हैं. इनके पास दो आंखें नहीं होती बल्कि दो से ज़्यादा होती हैं, चार भी हो सकती हैं या शायद उससे ज़्यादा हों, मतलब होती दो से ज़्यादा हैं. बहुत सारी आइज इनके सर के ऊपर ना मौजूद होती हैं, सिंपल आइज़.